क्या है ये रिपोर्ट आया है क्या? सम रिपोर्ट हैज बीन कॉल्ड फॉर योर फ्रेंड सेज दैट लेट अस सी द लास्ट ऑर्डर इन दिस केस आई मे परमिटेड टू स्टेट सर्टेन थिंग्स जस्ट अ मिनट रिकॉर्ड आना था वेयर इज द रिकॉर्ड देयर इज नो सच रिकॉर्ड एट सच बिकॉज़ आई हैव गॉट टू ऑर्डर्स बाय दैट मिलॉर्ड आई मे परमिटेड टू प्लेस दैट देयर इज नो रिकॉर्ड नो रिकॉर्ड लेकिन चकबंदी हुआ ही नहीं एक्चुअली बीच में इसमें एक ऑर्डर आ गया था 16 जुलाई 92 को विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 जुलाई 92 निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे कहना है कि मुख्यमंत्री महोदय बिहार विधानसभा में घोषणा की है कि चकबंदी योजना का काम अगले आदेश तक स्थगित रखा है 92 से स्थगित रखा गया उसका फिर रिवाइव हुआ 2004 में रिवाइवल के बाद भी कोई कार्य जो है चकबंदी से रिलेटेड नहीं हुआ है इज व्हाट द रिपोर्ट सेज और ये से चकबंदी का ये रिवीजन फाइल हुआ ये कौन इवेंट है हम रिजाइंडर हम जो जरा फाइल किए अभी चकबंदी ऑफिसर भी है मेरे पास आए हुए बुलाइए क्या है ये क्या चकबंदी में क्या हो रहा है अरे फोर्स डॉक्यूमेंट्स है फोर्स ऑर्डर है उसी आधार पर ऑर्डर पास हुआ है 91 में एंड डीएम हैज आल्सो अपीयर्ड मी लॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ द अर्लियर डायरेक्शन क्या नाम है आपका सर अमन समीर सर मिस्टर हैव यू एग्जामिन्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस केस सर चकबंदी का सर जो रिकॉर्ड होता है वो हम लोगों के रिकॉर्ड में सर रिकॉर्ड रूम में नहीं जाता है इनका एक अलग सर विंग है जो चकबंदी का रिकॉर्ड सर मेंटेन करता है मेरा अपना एक्सपीरियंस है सर लिटिल एक्सपीरियंस एज अ लॉयर दैट द चकबंदी रिकॉर्ड्स आर एट द whims and fancies of the chakbandi officers वो चाबी लेके कोई चला गया रिटायर कर गया गायब हो गया तो आप क्या है बोलिए चकबंदी अफसर ये रिवीजन कैसे फाइल हुआ if this is the state of affairs I will order for vigilance inquiry इन्होंने काउंटर के 20, 21, 22 पैरा में स्पेसिफिक डिटेल दिया किसने चकबंदी ऑफिसर ने क्या ये जो है ये कैरी आउट हुआ नहीं है जब चक खतियान नहीं हुआ तो फिर ये रिवीजन कहाँ से फाइल हुआ खतियान जब प्रीमियर नहीं हुआ तो वो हिज केस इज जेन्युइन ही सेज दैट दिस इज अ फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट हु इज व्हाट इज हिज स्टेटमेंट आवर स्टेटमेंट हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस आई एम द बेनिफिशियरी ऑफ दिस सो कैंडली 6 एंड एक्स्ट्रा 1 क्या ऑफ द रिट एप्लीकेशन ये क्लेम करते हैं कि 1970 में हम नौकरी में आए सात भाई थे राम नारायण सिंह के अभी हम सात भाई पर नहीं जा रहे हैं एफिडेविट आया है कि आपका सारा रिकॉर्ड जाली है रिवीजन का नहीं जाली है हुजूर इनके सिग्नेचर से वहाँ कंसल्टेशन अफसर के यहाँ फाइल हुआ 12 में ऑब्जेक्शन और 12 में ऑब्जेक्शन चकबंदी अफसर का क्या एफिडेविट क्या है कौन सा पैराग्राफ दिखाइए पैराग्राफ बोलिए स्टेटमेंट सिर्फ हमको बताइए डोंट शो मी द डॉक्यूमेंट कंसल्टेशन अफसर का जो रिप्लाई है वो हमको अच्छा पूछ जाए पेज 21 ऑफ 21 ऑन 20 पैरा 20 ऑनवर्ड अरे आप लोग तो पेजिनेशन नहीं किए ना इस सेक्शन नहीं सेक्शन 12 इसमें पैरा 20 में डिस्कस किया गया कौन सा 21 में वो कंसोलिडेशन है और 21 में इन्होंने स्पेसिफिक कहा है एक मिनट रुक जाइए जस्ट अ मिनट मिस्टर सिन्हा जस्ट अ मिनट एफिडेविट मिल जाए यू आर ऑपोजिट रेस्पोंडेंट नंबर आई एम रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 ऑन बिहाफ ऑफ 2 and 3 आई एम सबमिटिंग एज अ कंसोलिडेशन ऑफ 2 and 3 रिजॉइनर है इंजंक्शन पिटीशन है आपने काउंटर फाइल कर दिया है जी काउंटर फाइल कर दिया सब कुछ हो ठीक ठीक ओहो इसमें लगा ही नहीं आप तो ये सब लगा ही नहीं
रेस्पोंडेंट नंबर 428 है क्या? जी हम रेस्पोंडेंट नंबर 428 आप हैं। चलिए आप आइए, आप ऋषिराज जी आपका है, डायरेक्टर एंड कंजर्वेशन ऑफिसर। देखें आपका एक कॉपी देखो। पैराग्राफ नंबर अच्छा 21 देखा जाए, 21 में सेक्शन 12 डिस्कस किया है कंसोलिडेशन एक्ट का। 21 में हमने कहा कि जब चेक प्रिपेयर ही नहीं हुआ, सेक्शन 12 में ऑब्जेक्शन का कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है, उसके बाद 14 आएगा तब 17 आएगा ऑफ द एक्ट। आपने कहा कहां लिखा है कि वो फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड है, कहां लिखा है? मतलब जब सेक्शन 12 का डिड नॉट टेक प्लेस, चेक पब्लिकेशन नहीं हुआ, वैसे नहीं होगा ना। यू मस्ट कम अप विद अ स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट द डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन रिलायड अपॉन बाय द प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स एंड रिवीजन हैज बीन फाइल्ड आर फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड इन व्यू ऑफ द फैक्ट stated in para 21। हम लेते हैं सप्लीमेंट्री के लिए, सप्लीमेंट्री काउंटर ले लेते हैं। लेट दिस द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बक्सर इज पर्सनली प्रेजेंट अलोंग विद द चकबंदी ऑफिसर कंसोलिडेशन ऑफिसर। इट हैज बीन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। पैरा पैरा 21 कोट कर देना। और ये कह रहे हैं इनके पास सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है। पहले आप दीजिए ना, फिर देखेंगे इनका सर्टिफाइड भी तो क्या होगा, कौन भरोसा है। अब मुझे रिवीजन में नहीं गया, हो गए। हाँ तो जो भी है, यही हुजूर बीएलटी ने डिसाइड भी किया था कि चेक जब कंप्लीट नहीं हुआ, इन्होंने मिसलीड कर दिया कि पूरा खदियान बन गया है, जा ही नहीं सकते हैं। अब अगर किसी ने अगर इन्होंने गलत किया तो इन पर भी एफआईआर होगा। 340 में नहीं बिलीव करते हैं, 340 का इनिशिएट कर दिया गया चाहे उन पर नहीं। ऑर्डर शीट में, अरे एक मिनट, हमको ऑर्डर तो लिखाने दीजिए। बीच में तो आप चकबंदी खाली करते हैं क्या? क्या लिखा है? Private zone and the revision has been filed by forged and fabricated. Filed on the basis of forged and fabricated. Objection. उन्होंने file किया. Revision हमने file किया. Again. Objection has been filed on the basis of forged and fabricated documents. The learned counsel for the state is directed to file a supplementary counter affidavit making these specific statements. List this case after in the second week of February for filing of supplementary affidavit. The stand of the private respondents will be considered after filing of the supplementary counter affidavit. The copy of the pleadings must be served upon the learned counsel for the petitioner by the state. The personal appearance of the collector Buxar is dispensed with. Thank you, sir.